बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम याले स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कल 8 अक्टूबर को तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो पहली मेरिट लिस्ट है वो अपलोड कर दी है। तो उस मेरिट लिस्ट में कितना जो है स्टार्टिंग एग्रीगेट रहा और कितना एंडिंग एग्रीगेट रहा तमाम मेडिकल कॉलेज का MBBS के लिए, वो इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है ताकि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है और अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकें कि आप किस मेरिट लिस्ट में आएंगे या आ गया है। तो जाहिर सी बात, इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आ गया होगा। तो जो सबसे पहले अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, इसका जो शुरू वाले बच्चे का मेरिट था 95.84% और सबसे एंड वाले बच्चे का 93.5% रहा। उसके बाद अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज है, उसका जो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे बच्चे का एग्रीगेट 93.25% था और सबसे एंड वाले बच्चे का इस लिस्ट में, अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, पहली मेरिट लिस्ट में 92.25% रहा। उसके बाद डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज, इसका 95.454% जो स्टार्टिंग मतलब शुरू वाले बच्चे का था और 91.54% सबसे एंड वाले बच्चे का था। उसके बाद फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज, उसका 93.7179 जो सबसे शुरू वाली बच्ची का था। उसके बाद सबसे एंड पे जो बच्ची थी उसका 92.15% था। उसके बाद गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज, उसमें शुरू वाले बच्चे का मतलब सबसे टॉप पे जो बच्चा था उसका 94.13% एंड एंड वाले बच्चे का 91.81% रहा। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, इसका 97.40 से शुरू होकर 94.20 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद खलीफा जैद अल नयान मेडिकल कॉलेज, इसका 93.00 से शुरू होके 91.59 पे ख़त्म हुआ पहली मेरिट लिस्ट में। उसके बाद निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान, इसका 95.18 से शुरू होके 92.36 पे आके ख़त्म हुआ। मतलब पहली लिस्ट में सबसे जो ऊपर बच्चा था उसका 95 था और एंड वाले बच्चे का 92%। उसके बाद पंजाब मेडिकल कॉलेज, उसका 95.68 से शुरू हो के 92.0604 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद कायदे मेडिकल कॉलेज, इसका 94.40 से शुरू हो के 91.84 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, इसका 96.34 से शुरू होके 92.09% पे ख़त्म हुआ। उसके बाद साहिवाल मेडिकल कॉलेज है, उसका 92.75 से शुरू होके 91.70 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद सरगोधा मेडिकल कॉलेज, इसका 94.15 से शुरू होके 91.68 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद सिम्स, इसका 93.61 से शुरू होके 93.00 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद ख्वाजा एम सफदर मेडिकल कॉलेज, इसका 93.56 से शुरू होके 91.68 पे ख़त्म हुआ। उसके बाद शेख जैद मेडिकल कॉलेज, इसका 96.11 से 91.59 पे ख़त्म हुआ। तो ये तो था पहली मेरिट लिस्ट में तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के स्टार्टिंग और क्लोजिंग एग्रीगेट। अब जो दूसरी मेरिट लिस्ट में हैं वो हिसाब से मतलब दूसरी मेरिट लिस्ट में अपने हिसाब से अपने मुख्तलिफ जो है कॉलेजेस में इंतज़ार करें कि उनका नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो जिनका क्लोज तो आप अपना जो है मेरिट लिस्ट शो हो गई है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जाके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की वेबसाइट पर जाके अपना जो है मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं कि आपका आ गया नहीं आया। अगर नहीं आया तो सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें।
ताकि सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी आपको बता दिया जाए। और वीडियो अगर पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बताएंगे सेकंड मेरिट लिस्ट का। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।